इलाज करती है, और ये मिट्टी हमें बनाना सिखाया था नीरज उस्ताद जी ने, और हम उन्हीं के बताए अमलों पे चलते हैं। तो देखिए इस मिट्टी को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। ये मैं 20-1 किलो मिट्टी बना रहा हूँ, तो 20-1 किलो मिट्टी में ये देखिए ये कुछ मिट्टी है 15-16 किलो ये मिट्टी हो गई, और इसके साथ में ये मैंने ईंट फोड़ रखी है, ये 4-1 किलो ईंट फोड़ रखी है मैंने, लाल ईंट जो होती है देखिए, और इसके साथ में जो हम सामग्री डालने वाले हैं आप कॉपी पेन ले लीजिए और वो सब लिख लीजिए। एक तो जी है अंडे के छिलके, ये 1-1.5 किलो है अंडे के छिलके, ये जी कैल्शियम का काम करते हैं, जो कबूतरों में अंडे का छिलका उनका कमजोर हो जाता है, कबूतरी अंडे वगैरह देती, तो ये इसकी कैल्शियम कमी पूरी करते हैं। और ये जी इसमें डलेगी 0.5 किलो अजवाइन, इससे कबूतरों का हाजमा तंदुरुस्त रहता है। और इसमें डलेगी ये सौंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है, जो सूखी अदरक होती है उसका पाउडर है। और ये होगी जी हमारी 400 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, और ये हमारी 250 ग्राम काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, ये मैंने घर में पीसी है, बाहर कुछ मिलावट विलावट का चक्कर रहता है। और ये हमारी 200 ग्राम हल्दी है पिसी हुई, और ये हमारा 2 किलो काला नमक है, और ये 400 ग्राम डालना है इसमें शहद, ये 500 ग्राम की डब्बी है, 400 ग्राम शहद डालना है हर 1 किलो पे 100 ग्राम। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा कि कैसे मिक्स करनी है मिट्टी और कैसे बनानी है। पहले तो हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर हम मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें। ये डाल लीजिए मैंने अपनी मिट्टी, देखिए मिट्टी देखिए एकदम कैसी है, जैसे पार्क में होती चिपचिपी मिट्टी है वैसी मिट्टी एकदम बालू मिट्टी है। देखिए फूटी हुई ईंट, तो मैं ईंट फोड़ी थी, ये हमने डाल लिए ये। अब हम पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम अंडे के छिलके डाल रहे हैं जिससे कैल्शियम कमी कबूतर में पूरी होती रहे। ये हम डाल दीजिए काला नमक 2 किलो, मिक्स कर लिया है। और उसके बाद डालेंगे हम लोग ये सौंठ,
इसको बोलते हैं सूखी हुई अदरक का पाउडर, ये हमने लिया 250 ग्राम। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये मुल्तानी मिट्टी, डालने जा रहे हैं इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई, और काली मिर्च के साथ हम लोग डाल रहे हैं इसमें हल्दी। हल्दी से क्या होता है, हल्दी से परों में अच्छी चमक आती है और कबूतर का पोटा भी अच्छे से साफ हो जाता है। ये एंटीबायोटिक होती है और गर्म रहती है, हड्डी मजबूत करती है। इसी के साथ हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर अजवाइन, अजवाइन डालते हैं हम इसी के साथ इसके अंदर आधी किलो, जो है डाइजेशन में अच्छा मदद करती है। देखिए ये अजवाइन है। अभी इसके अंदर हमने सारे मसाले वगैरह अच्छे से डाल दिए, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर हम इसके अंदर बाकी और चीज डालेंगे। अंडे के छिलके, जो भी कबूतर के अंदर सारी कैल्शियम की कमी पूरी करता है। अंडे के छिलके आपको डालने कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी अंडे की दुकान वाले से अंडे के छिलके वगैरह ले लें और उसको अच्छी तरह धूप में सुखाएं, जब तक वो एकदम कड़क वाला हाथ लगे जब टच करके टूट ना जाए, ठीक है। उसको पहले अच्छी तरह सुखा लें, सुखाने के बाद उसे खल्लड़ में अभी किसी चीज़ में पीस लें, पीसने के बाद हम उसे डाल सकते हैं इसके अंदर। ताजी अंडे के छिलके ला के ना डालें, क्योंकि फिर जो अंडे के छिलके के अंदर जो योक होता है वो अंडे के छिलकों से चुपका होता है और फिर मट्टी वगैरह चुप जाती है, तो वो मतलब अच्छे से पीस नहीं पाता वो अच्छी तरीके से। अब हम पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब बारी आती है शहद की और फिर डालना पड़ेगा शहद। वैसे कबूतरबाजी जो खेल है वो कम का है, ज्यादा से ज्यादा कबूतर पर ट्राई ना करें, क्योंकि अब लास्ट आता है इसके अंदर शहद। शहद देना कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ, पहले थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जी मैंने लिया 1.5 लीटर पानी, ठीक है। 1.5 लीटर पानी में मैं डालूंगा 400 ग्राम शहद, ये 500 ग्राम का शहद है, देखिए लिखा हुआ है 500 ग्राम। ये मैंने डावर का शहद दिया, डावर नहीं। और एक गुनगुने पानी में डालना है, गुनगुने पानी में ना शायद इजीली मिक्स हो जाता है।
लेंगे इसमें शहद, इसे कर लेंगे मिक्स चम्मच की, चम्मच की मदद से क्योंकि हाथ हो जाएंगे। देखिए ये नीचे जम गया है, अभी ये गुनगुना पानी है इसलिए ये जल्दी मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। डायरेक्ट शहद को ना डालें क्योंकि फिर इसमें डले बन जाएंगे, शहद मिट्टी एक जगह फिर लेके चिपक जाएगी, इसलिए हमने पानी मिक्स करके डाला ताकि हम अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें इसके अंदर, कण कण के अंदर जो उसकी मिठास है वो पहुंच सके। वापिस आ जाता है मिट्टी पे और मिट्टी के ऊपर इसको छिड़कते रहेंगे। हल्का छिड़क के और मिक्स भी करते रहेंगे, डले वाले ना होने। हल्के छिटे मारते रहेंगे और मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, आप देखिए ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब हम आपको मिक्स करके दिखाएंगे वीडियो भी, जब पूरा मिक्स हो जाएगा फिर मिट्टी का कलर कैसा आएगा फिर आपको वो दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने मिट्टी के सारे डले वाले सब तोड़ लिए हैं, हम मिट्टी से ये देखिए एक डला ना गए, सारा शहर में सब चीज़।